नमस्कार, मैं हूँ योगेश राणा। वैसे तो पूरे चुनाव का बिगुल बजा हुआ है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। सरकार दिल्ली से लेकर देहरादून तक चुनाव के मूड में है, मोड़ में है, लेकिन देश में एक और बड़ी गतिविधि चल रही है, एक्टिविटी चल रही है, आंदोलन चल रहा है। पिछले कई दिनों से लाखों छात्रों के सड़क पर आंदोलन करने की खबरें आ रही है। बीबीसी सहित कई सारी न्यूज एजेंसी इनको बहुत अच्छे से कवर कर रही है। इंटरनेशनल मीडिया ने भी कई सारी खबरें छापी है। ये अलग बात है कि देश के प्रमुख चैनल और प्रमुख अखबार में छात्रों का ये आंदोलन कम ही दिख रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर छात्रों ने अचानक से इतना बड़ा आंदोलन क्यों कर दिया है? छात्रों में इतना गुस्सा क्यों भर गया है अचानक? आइए इस पर बात करते हैं कि आखिर बेरोजगार बागी क्यों हो गए। बात 14 जनवरी की है। 14 जनवरी को आरआरबी एनटीपीसी के CBT 1 का रिजल्ट आया। रिजल्ट आते ही अभ्यर्थी नाखुश हो गए और छिटपुट अपनी बात सोशल मीडिया पर लिखने लगे। बात को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा यह जान लेते हैं कि यह रिजल्ट किस परीक्षा का आया और मामला क्या है और मामला कहां तक पहुंच चुका है। रेलवे ने 2019 में लोकसभा चुनाव के वक्त नौकरी निकाली थी। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स यानी आरआरबी रेलवे में भर्ती से जुड़ी परीक्षाओं का आयोजन कराता है। अलग अलग पे ग्रेड पर करीब 35,000 नौकरियां लगनी थी, नौकरियां निकाली गई थी। जैसा कि मैंने बताया, इन नौकरियों के लिए 2019 में आवेदन मांगे गए थे। उसी साल सितंबर में परीक्षा होनी थी। पहले परीक्षा की तारीख मार्च 2020 की गई, फिर कोरोना के कारण टाल दी गई और फिर टलती रही। दिसंबर 2020 से जुलाई 2021 के बीच देश भर में इस भर्ती के लिए पहले चरण की परीक्षा हुई। उसी परीक्षा के नतीजे 14 जनवरी 2022 को घोषित किए गए। और जैसा कि मैंने बताया, 14 जनवरी को रिजल्ट आते ही गड़बड़ी का छात्र आरोप लगाने लगे। इसके बाद छात्रों के साथ साथ जो अभ्यर्थी थे उनके साथ साथ कोचिंग संचालक भी साथ में आ गए और उन्होंने भी छात्रों से विरोध करने के लिए कहा। ट्विटर पर ट्रेंड कराने के लिए बाकायदा तारीख और हैशटैग निर्धारित किए गए। इनमें खान सर भी शामिल थे। खान सर ऑनलाइन पढ़ाई कराते हैं, उनको सभी जानते हैं, वो इंटरनेट की दुनिया का बड़ा चेहरा है। 18 जनवरी को अपने एक वीडियो में खान सर ने बताया कि ये ट्विटर ट्रेंड कम से कम एक हफ्ते तक चलना चाहिए, तभी सरकार बात सुनेगी। लाखों ट्वीट्स के कारण यह लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। स्टूडेंट लगातार इस बात को ट्रेंड करा रहे थे कि गड़बड़ी हुई है, हमें रिजल्ट से संतुष्टि नहीं है। यह ध्यान में रखना चाहिए कि हंसराज मीना जैसे एक्टिविस्ट और राणा हबीब जैसी विदेशी पत्रकारों ने भी छात्रों के समर्थन में ट्वीट किए। सोशल मीडिया से आंदोलन धीरे धीरे जमीन पर आ गया और 24 जनवरी को पटना में इतना बड़ा आंदोलन हो गया कि दिल्ली तक हिल गई। आनंद फानन में परीक्षाओं को स्थगित करते हुए छात्रों की समस्याओं का निपटारा करने के लिए कमेटी गठित कर दी गई। 25 जनवरी को तो बवाल हो गया। 25 जनवरी को आंदोलन बहुत ही उग्र हो गया और छात्रों ने बिहार में रेल की कई बोगियों को आग के हवाले कर दिया। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा हंगामा हो गया और ये आंदोलन बिहार और उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्सों तक फैल गया, जबकि रेलवे तो पूरे देश में परीक्षा आयोजित करता है। तो फिर सवाल ये है कि केवल इन्हीं दो राज्यों में क्यों रहा? इसके कई सारे तकनीकी पक्ष है जिनको तकनीकी तौर पर समझने की जरूरत है, लेकिन उनमें ज्यादा गहराई तक न जाते हुए मेरा मानना है कि उनमें बहुत गहराई तक जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक लाइन में सारी बात समझ में आ सकती है। बात यह है कि देश भर से 1,25,00,000 छात्रों ने नौकरी के लिए फॉर्म भरे थे और रेलवे की मौजूदा व्यवस्था से छात्रों को लगता है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट है, अभ्यर्थी है, आवेदन करने वाले, वो अवसर से वंचित रह जाएंगे। दरअसल मामला इतना भर है, सारा मामला एक लाइन में समझा जा सकता है कि देश में बेरोजगारी का हाल बहुत बुरा हो गया है। 2019 में नौकरी निकालने के बाद 2022 तक यानी 4 साल में भर्ती पूरी ना हो, यह चिंता की बात है। कोविड के नाम पर भर्ती रुकी रही, लेकिन इस दौरान 1 दर्जन के करीब प्रदेशों में चुनाव हो गए जिनमें करोड़ों लोगों ने खुलेआम हिस्सा लिया है, जनसभाएं हुई है, भीड़ जुटाई गई है, नारेबाजी हुई है और यह सिलसिला अभी भी चल रहा है। तो एक तरफ यह है और दूसरी तरफ बेरोजगारी का यह हाल है। और
इससे भी बड़ा डरावना सच तो यह है कि यह रेलवे की ग्रुप डी यानी चतुर्थ श्रेणी की नौकरी की बात है, और कमाल की बात है कि इसमें पीएचडी एमबीए इंजीनियरिंग कर चुके छात्र हिस्सा ले रहे हैं। आप सोशल मीडिया पर चले जाइए, कुछ जो इंटरनेशनल या फिर नेशनल कुछ मीडिया हाउस है उनकी खबरें देख लीजिए, यह बड़ा आंदोलन है और बड़ी चिंता की बात है कि देश में ऐसी स्थिति पैदा हो रही है। यह इस देश की राजनीति और राजनेताओं के लिए शर्म की बात है, बशर्ते उनको शर्म आती हो। अंत में एक ही बात कहना चाहूंगा, चुनाव धर्म पर लड़े जा रहे हैं लेकिन भारत में बेरोजगारी उफान पर है, यह आंदोलन इसकी चीख चीख कर गवाही दे रहा है। तो देखते हैं बेरोजगारी कहां तक पहुंचती है। चुनाव तो चलते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे, सरकारें बनती ही रहेंगी, लेकिन चिंता की बात यह है कि जो युवा हाथ है उसको काम कम क्यों मिल रहा है, काम मिल क्यों नहीं रहा है, ये बड़ी चिंता की बात है। नमस्कार, आप बने रहें मेरे साथ।